नमस्कार, मी कविता. इंडियन टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिनमध्ये आपले स्वागत. पाहूया शहरातील ठळक घडामोडी, पाहूया शहरातील सविस्तर वृत्त न्यूज रिपोर्टमध्ये. सध्याचे शैक्षणिक धोरण रोजगार निर्मितीला पोषक नाहीत, त्यात बदल करण्याची गरज आहे. रोजगार निर्मिती शिक्षण देण्यासाठी आम्ही आग्रहपूर्वक सातत्याने प्रयत्न करीत आहोत, असे बिर्ला समूहाचे पद्मभूषण राजश्री बिर्ला यांनी सांगितले. येथील बिर्ला महाविद्यालयाच्या आवारात नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक संकुलाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने राजलक्ष्मी बिर्ला यांनी कल्याणला भेट दिली. बिर्ला महाविद्यालय बिर्ला इंग्लिश स्कूल याची त्यांनी पाहणी केली. यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना वैद्यकीय महाविद्यालयाची या भागात गरज असल्याचे पत्रकारांनी त्यांच्या निदर्शनास आणले. तेव्हा ते म्हणाल्या की कल्याण डोंबिवली महापालिकेने वैद्यकीय महाविद्यालय निर्मितीचा प्रस्ताव बिर्ला समूहाकडे सादर केला तर त्याचा अवश्य विचार केला जाईल. बिर्ला महाविद्यालयाची शिस्त प्रगती याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. बिर्ला महाविद्यालयाच्या आवारात सुमारे 20 कोटी रुपये खर्च करून आधुनिक शैक्षणिक सुविधांनी परिपूर्ण असे शैक्षणिक संकुल उभारण्यात येणार आहे. यावेळी शिवसेनेचे रवी पाटील, इतर सामाजिक संस्थांतर्फे त्यांच्या सामाजिक कार्याचा गौरव करण्यात आला. यावेळी सेंच्युरी रियनचे अध्यक्ष ओ आर चितलांगे, बिर्ला महाविद्यालयाचे डायरेक्टर नरेशचंद्र शैक्षणिक क्षेत्रातील अशोक प्रधान, प्रज्ञाराव यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. बिर्ला समूहाच्या माध्यमातून कल्याण परिसरातील 100 गावांच्या विकासाचे प्रयत्न सुरू आहेत. आदिवासी पाड्यांवर वैद्यकीय सेवा तसेच नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. महिलागृह उद्योगाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, त्यातून 5 वर्षात 800 महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सेंच्युरी रियनच्या रुग्णालयात खाटांच्या संख्या वाढीबरोबरच कर्करोगावर उपचार करण्याचीही सोय उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे त्या म्हणाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, इंडियन टीव्ही न्यूज. मैं बहुत खुशी से बताना चाहती हूँ कि आज हमारे यहाँ बीके बिरला पब्लिक स्कूल कल्याण, जो कि KCS के द्वारा रन किया जाता है, हमने सोशल वर्क करने की फील्ड में एक महान हस्ती श्रीमती राजश्री जी बिरला जी को अपने यहाँ इनवाइट किया था, हमारे बच्चों को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए और मोटिवेशन देने के लिए. हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम सब जानते हैं कि बिरला फैमिली का सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए, उनके हित के लिए जो भी वो बड़े काम करते हैं, हम सबको उसके बारे में पता है. सो इसीलिए हमने उनको इनवाइट किया ताकि हमारे बच्चे उनके काम से, उनके वर्क से, जो भी वो बिना किसी स्वार्थ के सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चे उससे प्रेरणा ले सकें. सो प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ. मैडम ने बहुत मैसेजेस दिए बच्चों को, उनको बताया कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, और हार अगर मिलती भी है तो हार एक स्टोन है नेक्स्ट सक्सेस के लिए. सो बच्चे बहुत खुश थे, उनको बहुत मोटिवेशन मिला. वी आर वेरी हैप्पी. जैसा मैंने पहले ही बताया कि हम इसीलिए उनको यहाँ ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को बुलाते हैं ताकि हमारे बच्चे भी उनसे इंटरेक्ट कर सकें, बात कर सकें, और ना ही बच्चे बल्कि एज सच मैडम को CSR एक्टिविटीज़ के लिए पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है. सो वो समाज के लिए ऑलरेडी बहुत काम करती हैं, इसीलिए हमने समाज के अदर देन स्कूल एंड टीचर्स, हमने समाज के दूसरे तत्वों को भी इनवाइट किया, जर्नलिस्ट को और समाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति ऑलरेडी कॉलेज में आकर उनको सम्मानित करने वाले हैं. सो हम खुश हैं कि हमारी वजह से कल्याण में इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति का आगमन हुआ. मेरा तो ऑलवेज यही संदेश होता है कि बच्चों को उनकी उनके ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. हर बच्चा इम्पॉर्टेंट है, हर बच्चा सीख सकता है, हर बच्चा कुछ ना कुछ उसमें क्षमता होती है. प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग उसको पहचान नहीं पाते. तो मुझे पेरेंट्स को यही मैसेज देना है कि अपने बच्चे की क्षमता को पहचानें, उसे प्रोत्साहित करें और हेल्प करें उसको आगे बढ़ाने. ऐसे मैं खुद तो बहुत ही सालों बाद आई हूँ कल्याण में, पर जो आसपास में गांव हैं जो हम लोगों ने अडॉप्ट कर रखे हैं, उसकी रिपोर्ट तो बहुत आती रहती है, 5-6 महीने में एक बार आ जाती है. आज के कार्यक्रम में तो कुछ वो कर रहे हैं, अपने भूमि पूजन कर रहे हैं और
से मिलेंगे, उनकी क्या क्या आवश्यकता है वो जानेंगे। और जो CSR का वर्क है वो तो बम्बई से ही हो सकता है, आप लोगों ने जो सजेशन दिए हैं उसके बारे में सोचेंगे। क्या कहना चाहोगे दलदल वासियों को, क्या कहना चाहोगे, तो किस तरफ की आप आए हो, क्या दुख दे रहे हैं? मैंने अभी इतना देखा नहीं है कल्याण में, अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, पर जो बच्चों को देखती हूँ लगता है कि वो बहुत बहुत खुश है, उनके चेहरे पे मुस्कान है और बहुत खुश है। तो ये आप लोग की एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि बच्चों को आप लोग इतना अच्छे से रखते हैं और खुशी देते हैं। का काम शुरू किया वो कल्याण के आसपास ही किया था, तो इसलिए मुझे कल्याण से एक अलग लगाव है। मेरे ख्याल से यहाँ से कुछ 18-20 किलोमीटर दूर होगी वो जगह, और वहाँ करीब 100 गांवों में हम लोगों ने काम शुरू किया था। और आपको जानकर खुशी होगी कि वहाँ मिस्टर जीवी बिरला, मेरे दादी ससुर जी, उन्होंने सबसे पहले एक ट्रस्ट बनाया और उसमें क्लिनिक जैसे डॉक्टर और ये सब रखे थे। तो ये बिगनिंग कब से हुई है, समवेयर इन 1976। और पहले मैं भी बहुत बार आया करती थी, उन गाँवों में घूमा करती थी, और अभी भी वहाँ काम मिल रहा है, और साल में जो बार वहाँ मेडिकल कैंप भी लगते हैं। ये तो हुआ यहाँ कल्याण था। और वैसे पूरे देश में करीब 5,000 गाँव में वो काम करते हैं, और जैसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल पॉलिसी है, उस सब पे ध्यान देते हैं। और तो और अब तो CSR भी हमें लगा है, हर एक कंपनी को CSR का दिखाना पड़ता है कि क्या क्या काम हुआ, पर क्योंकि हम लोग पहले से ही कर रहे थे, हम लोगों के योजनाओं में इतना नहीं फर्क पड़ा क्योंकि पहले से ही काम हो रहा था। तर या होत्या इंडियन टीव्ही न्यूज। तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास पुढील क्रमांकावर संपर्क साधू शकता, 9320420420। तर आता वेळ झाली निरोप घेण्याची। नमस्कार।